एक hey गाइस आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग बहुत आलसी वाले लोगों के लिए जिनको एक बढ़िया सा डिज़र्ट सा खाने का मन करे लेकिन ज़्यादा काम भी ना करना हो यू नो मेरी तरह आलसी लोगों के लिए तो आप क्या करो कोई भी दो चॉकलेट ले लो जैसे मैंने यहाँ पे आप डेरी मिल्क ले सकते हो मिल्की ले सकते हो और यहाँ पे मैंने क्या करा कि दो चॉकलेट ली डेरी मिल्क और सिल्क ली क्योंकि मैं बस एक एक ही पड़ी थी दोनों तो मैंने वही दोनों ले ली फिर उसके बाद उसको छिल दिया फिर उसके बाद हम लेंगे कोई भी चॉकलेट स्प्रेड यहाँ पे मैं बस न्यूटेला पड़ा था तो मैंने न्यूटेला यूज़ करा कोई और चॉकलेट स्प्रेड है तो आप वो यूज़ करो नहीं तो आप फ्रूट जैम यूज़ कर सकते हो बहुत टेस्टी लगेगा आप कोई और चॉकलेट हो गई जैसे अगर आप डेरी मिल्क यूज़ कर रहे हो तो आप मिल्की बार चॉकलेट या फिर ओरियो के पीसेस चंक्स डाल सकते हो बीच में या फिर आप मंच डाल सकते हो ऐसे ऐसे कुछ भी इस चॉकलेट स्प्रेड की जगह आप वो यूज़ कर सकते हो जिससे आपको थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है यू नो जस्ट गिविंग फ्यू एग्जाम्पल्स के आप एक यूज़ कर सकते हो आप मेरे को ऑप्शन देना कुछ इंटरेस्टिंग सा आपके दिमाग में आए क्योंकि हम इसका पार्ट टू भी लाएंगे आइसक्रीम सैंडविच का आइसक्रीम सैंडविच चॉकलेट आइसक्रीम सैंडविच यहाँ पर मैं भर के चॉकलेट स्प्रेड लगा रही हूँ क्योंकि मेरे और मेरे भाई को और मम्मा को तीनों को मीठे की क्रेविंग हो रही थी तो मैं बना रही हूँ ये अब इसके बाद दोनों दोनों चॉकलेट्स पे हम लगाएंगे दोनों जगह हम लगाएंगे चॉकलेट स्प्रेड फिर उसके बाद हम क्या करेंगे हम लेंगे आइसक्रीम जो ये या तो आप एक एक स्कूप आइसक्रीम डाल दो या फिर ये जो टेन रुपीज़ वाली आइसक्रीम आती है ना वनीला या कोई भी और फ्लेवर जो आपको पसंद हो कौन सा फ्लेवर पसंद है आपको आइसक्रीम का कॉमेंट करके बताओ मुझे तो सबसे ज़्यादा वनीला सही लगता है या डार्क चॉकलेट वाला कोई भी फिर उसके बाद दो मैंने यहाँ पे लिए आइसक्रीम के स्कूप ले लो या फिर दो ऐसे टेंटन वाली आइसक्रीम ले लो फिर उसके बाद उसको डाल दिया फिर एक जो दूसरी तरफ एक और हमारे पास चॉकलेट थी जैसे नीचे मैंने डेरी मिल्क सिल्क लगाया तो मैं ऊपर डेरी मिल्क लगा रही हूँ क्योंकि मैं बस अलग अलग ही थी थोड़ी सी और चॉकलेट स्प्रेड लगा दी मैंने और फिर दूसरी साइड क्योंकि नहीं लगाई थी एक और ये एंड ओ थी क्या चीज़ थी ये और आइसक्रीम इतनी ठंडी थी ना वो चॉकलेट्स बट उसी टाइम उस साथ मतलब वो हो गई ठंडी थेंड़ ठंडी उस, उसी टाइम में वो मेल्टेड नहीं रही और वो एकदम मस्त तो क्या टेस्ट था यार उसका ये खाई मैंने मम्मा ने और भाई ने लिटरली छीन छीन के क्योंकि इतनी टेस्टी थी खाने में आप भी ट्राई करो अपने भाई बहन के साथ खाओ पियो ऐश करो और फिर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा इट्स वेरी सिंपल ऐसी और सिंपल सिंपल वीडियो के लिए मेरी वीडियो लाइक कॉमेंट शेयर करते रहे ताकि मेरे को मोटिवेशन आती रहे ना ऐसे ऐसे यू नो ईजी आइडियाज देने के लिए यू नो सो यप दैट्स इट फॉर टुडे आई होप यू लाइक डिट नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है आपको चॉकलेट की कसम ओके okay? बाय कैसा लगा कॉमेंट्स में बताना बाय